भवन निर्माण नियमों में आवश्यक बदलाव करने के लिए जम्मू नगर निगम के जनरल हाउस की सोमवार को विशेष बैठक बुलाई गई। इसमें भवन निर्माण नियमों को सरल बनाते हुए गरीबों को विशेष राहत प्रदान की गई है। अब अगर कोई गरीब अपने लिए दो कमरों का निर्माण करना चाहेगा तो नगर निगम बिना फीस लिए उसके मकान का नक्शा पास करेगा। इतना ही नहीं, अब लोग 5 मरले से अधिक वाले घर में अंडरग्राउंड या छत पर पार्किंग भी बना सकते हैं और चाहे तो घर में लिफ्ट भी लगा सकते हैं। इसकी अनुमति भी नगर निगम प्रदान करेगा। मकानों का नक्शा अब 15 दिन में पास होगा और ऐसा ना होने की सूरत में अधिकारी की जवाबदेही होगी। शहर में जहां 10 फुट से छोटी गलियां हैं, उन गलियों में भी मकान बनाने के नक्शे पास करने की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। जम्मू नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता के अनुसार जनता को राहत प्रदान करने व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर सिर पर छत के सपने को पूरा करने के लिए प्रक्रिया सरल बनाई गई है और आने वाले दिनों में नियमों में और सुधार किए जाएंगे। दिया था और भी बहुत से उसमें अमेंडमेंट्स हुई थी, लेकिन कुछ गरीब लोगों के लिए जो रह गई थी उनको आज कॉर्पोरेशन ने पास किया है और मुझे आशा है कि इससे होशी फहराल जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हर गरीब के छत उसका पक्का छत हो, उसके लिए हमने एलो कर दिया गया। जहां भी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के दायरे अख्तियार में उन्होंने घर बनाना है, होशी फहराल का कोई लोन लेना है 6 लाख 12 लाख 18 लाख, तो उनके लिए बिल्डिंग परमिशन हमने अपना फ्री कर दी है। इसी तरह और जो पुराना शहर है, पुराना के जम्मू शहर सारा ही पुराना है, जो नया भी इलाका हमारे बीच में आया है जहाँ छोटी छोटी गलियां हैं, आज हर एक आदमी के पास पैसा नहीं है। गरीब आदमी घर बनाना चाहता है और बैंक पैसा दे रहा है, बैंक चाहता है हाउसिंग लोन लो, उसके भी 2 कमरे बने, उसके अलावा भी उनको भी हम लोगों ने पहले ओल्ड सिटी में हमने लो किया था वार्ड नंबर 1 से 11 और 15, अब आज के जो हो सका इसमें अमेंडमेंट करके उनको भी हमने उनको अपना लो किया है। इस तरह बाकी जो बड़ी सड़कें थी, यहाँ पहले कमर्शियल जो जमीन जोन 40 फुट की रोड पे मिलता था उसको 30 फुट में किया है, कुछ एरिया बनाया है, पार्किंग के लिए हमने स्ट्रीट पार्किंग के लिए भी कुछ इंसेंटिव हमने रखा है, रैंप के लिए रखा है, कोई अंदर आगे रैंप के लिए था छोटे प्लाट्स के लिए, लिफ्ट के लिए रखा है, कोई लिफ्ट लगा सकता है, कोई पार्किंग अपने छत पे बना सकता है, मैकेनिकल जो होती है वो लिफ्ट के जरिए अपनी पार्किंग बना के अपने छत पे गाड़ियां पार्क कर सकता है। शहर को डिकंजेशन करने के लिए जो जो सहूलियत जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दे सकती थी वो आज अमेंडमेंट की है। हमारे डिप्टी मेयर के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने आज रिपोर्ट रखी है, उसके लगभग सारे जो कॉर्पोरेशन पास कर सकती थी हम उसको पास कर दिया है। जो कोई ऐसे लाज हैं जो ऊपर सरकार के पास जाने हैं उनसे भी हम करवाने का प्रयास करेंगे और इस कमेटी को एक्सटेंड कर दिया 3 महीने के लिए। कुछ बातें रह गई ऑनरेबल कॉर्पोरेटर, पहले हाउस में भी हमने बताया था, लेकिन फिर भी जो कोई और लोगों को राहत, जम्मू वासियों को किस तरह छोटी छोटी बातों के लिए उनको तकलीफ होती थी, परेशानी होती थी, उनको हम लोग राहत दे सके। जम्मू मुर्सूल का लोगों ने हमको चुनके जहां भेजा हुआ है और इसलिए हम उसको और भी आगे जो कोई बातें कमेटी के ध्यान में आएंगी, कोई भी आदमी अपनी बात कमेटी के पास पहुंचा सकता है, ऑनरेबल कॉर्पोरेटर पहुंचा सकता है, उसको अगले हाउस में जब भी हमें समय मिलेगा स्पेशल हाउस लगाकर भी हम उनको भी अमेंडमेंट करेंगे। आज जनरल हाउस जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का एक स्पेशल सेशन था जहां जो यूनिफाइड बिल्डिंग कोड गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया है उस पर डिस्कशन और उस पर कुछ पॉइंट्स जो हाउस की कमिटी ने उठाए थे, डिस्कस किए थे, उस पर आज पूरे हाउस पे डिस्कशन किया गया है। कुछ चीज़ें अडॉप्ट की गई हैं, कुछ चीज़ों पे और डिस्कशन करने का फैसला किया। उसको भी एग्जाम किया गया है।